वेलकम टू झारखंड पाठशाला। परिचय देने का भी समय नहीं है और चैनल सब्सक्राइब करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हिस्ट्री का ही बात करेंगे और ये क्लास 12 के लिए है और चैप्टर भी आपको मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर का मैं आपको जो MCQ है दे चुका हूँ और कुछ चैप्टर के मैं आपको और भी देने वाला हूँ कल तक में, एग्जाम से पहले ही, लेकिन मैं दे दूंगा, आप प्रैक्टिस ऑनलाइन कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, एक नंबर में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आप आंसर कर लीजिए इसका। अगर आप कमेंट करते हैं तो और भी बेटर होगा और कॉपी लेकर के बैठे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। आप पहले आंसर दीजिए, मेरा आंसर आप बाद में सुनिएगा, इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो महावीर स्वामी का जन्म जैसे कि वैशाली, सारनाथ, बोध गया और रांची है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी वैशाली। दूसरा क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, पुरी, कलकत्ता, मथुरा और चेन्नई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुरी, ठीक है। मंदिर को जो है जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बोध संगीति कब हुआ था। संगीति का मतलब यहाँ पे सभा है, तो जैसे कि बोध का 4 संगीति हो चुका है, यहाँ पे चतुर्थ बोध संगीति का समय पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो चतुर्थ बोध संगीति है, यानी चारों बोध संगीति को आप याद कर लीजिएगा। एक तो आपको 483 है, ठीक है, 483 ईसा ईस्वी हम लोग इसको बोल सकते हैं, माफ कीजिएगा, 483 ईसा पूर्व होगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 483, दूसरा हो जाएगा 100 साल बाद किया गया था, यानी 100 साल बाद हो जाएगा 383, और उसके बाद आपको याद रखना है 251, और उसके बाद आपको याद रखना प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी यानी 100 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, जो ए है वो सही होगा, ठीक है, 100 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का संबंध किससे है, बिहार, तो बिहार और स्तूप दोनों का संबंध जो है, ऑप्शन आप देख लीजिए, पहले आप अपना आंसर बता लीजिए फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन जो होगा होगा ऑप्शन बी, बिहार और स्तूप का संबंध बौद्ध से है, ठीक है, बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलसा टॉप्स के लेखक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम, कॉलोनी मैकेंजी, यानी कॉलेंजी मैकेंजी होता है यहाँ पे, एच कॉल और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए है, अलेक्जेंडर कनिंगम। छठा क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ के मंदिर में किसकी मूर्ति रखी गई है, महात्मा बुद्ध, विष्णु, शिव और महावीर। आपका आंसर मे भी सही है, आप अपना पहले आंसर दे लीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, विष्णु का। क्वेश्चन को याद रखेंगे, सातवां, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है, सुतपीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक और इनमें से सभी। तो पहला आप अपना आंसर दे लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। याद रखिएगा तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपीटक कहा जाता है, सुतपीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिपीटक में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तीनों के नाम के अलावा एक और कोई भी नाम दे दिया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को याद रख लीजिएगा, सुतपीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपीटक कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा तीनों में है यानी इनमें से सभी। जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थकर, अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे, संभावनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, महावीर स्वामी संस्थापक कहें इसे आप, अंतिम तीर्थकर कहें या 24वें तीर्थकर कहें। भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था, रोशन आरा, जहां आरा, शाहजहां बेगम, सुल्ताना जहां बेगम, बी और सी दोनों। तो यहां पे इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, दोनों, शाहजहां बेगम और सुल्ताना जहां बेगम, ये माँ बेटियां हैं, ठीक है, माँ बेटी है ये, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, माँ बेटी है और दोनों ने संरक्षण दिया था, शाहजहां बेगम ने भी और सुल्ताना जहां बेगम ने भी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है, पूर्व जन्म की कथाएं किसमें संकलित है, एक पीटक, जातक कथा, त्रिपीटक या पंचतंत्र। तो याद रखिएगा जातक की कथाओं में
उसके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी मिलती है जातक के कथाओं में। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? जे टेलर, कनिंगम, एफ सी मेसी और एम कॉल। सही जवाब होगा इसका जे टेलर। सांची की स्तूप की खोज जे टेलर ने की थी। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन। इसका सही जवाब हम लोग करेंगे जैन धर्म से, ऑप्शन डी। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्तूप और विहार अगर पूछे, स्तूप और विहार का संबंध किससे है, तो दोनों का दोनों हो जाएगा बौद्ध धर्म से, दोनों का दोनों बौद्ध धर्म से। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजात शत्रु होता है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, कनिष्क है, अशोक है, कालाशोक। तो चतुर्थ पूछा जा रहा है तो हम लोग ऑप्शन सी में जाएंगे, सॉरी सी, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा इसका, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनिष्क, चौथा बौद्ध संगीत। आप इसको याद रखिएगा, अ क अ क, अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, काला शोक, याद रखिएगा कालाशोक, अ से होता है अशोक, और लास्ट में क से कनिष्क, लास्ट में है कनिष्क। कहां पे हुआ था यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मगध का जो राजधानी था वो था राजगृह, तो पहला बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था। कालाशोक ने राजगृह से ट्रांसफर किया था राजधानी को, इसने वैशाली कर दिया था, तो दूसरा जो बौद्ध संगीत है वो वैशाली में हुआ। अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र था, तो याद रखिएगा कि अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुआ था। और कनिष्क जो है ये कश्मीर का शासक था, तो कश्मीर में कुंडल वन है, कुंडल वन, तो ये कुंडल वन में हुआ था। और कब कब हुआ था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, दूसरा 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, उसके बाद 255 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे आपको 51 भी मिल जाएगा देखने के लिए, और उसके बाद है प्रथम शताब्दी। तो यहां से इतने सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पढ़ करके जाना है, और क्वेश्चन आपको बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, तो आपको इसको अच्छा से याद कर लेना है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी और पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा पावापुरी। पूरी शब्द आ गया ना यहाँ पे, बस याद रखिएगा, पूरी बूंदिया जो है वो भोज में मिलता ही है, तो मृत्यु इनका जो था वो पावापुरी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, ये क्या हो गया? तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं रद्द, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ और ऑप्शन कुछ और है, यहाँ पर हो जा रहा है कभी कभी मिस्टेक बहुत ही कम टाइम है, तो इतने कम टाइम में टाइपिंग करना, फिर उस पर वीडियो बनाना, अपलोड करना बहुत ज्यादा लग जाता है। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ याद रखिएगा आप। और ये जो सारनाथ में इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्म प्रवर्तन, धर्म समागमन, धर्म चक्र प्रवर्तन और मध्य समागमन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। ये घटना को कहा जाता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश की जो घटना है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हम लोग के शब्दों में। वैसे मृत्यु और इन लोग के महापरिनिर्वाण में बहुत ही ज्यादा अंतर है,
धरती पे पुनर्जन्म का जो चक्र है इससे निकल जाना इन लोग के अनुसार महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो हम लोग के अनुसार ये मृत्यु ही है। तो महात्मा बुद्ध जो है उनकी मृत्यु, मतलब क्या पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, किस जगह पे हुआ था वो पूछा जा रहा है भगवान बुद्ध का। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कुशीनगर इसका सही जवाब हो जाएगा। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति वैशाली सारनाथ बोधगया और कपिल वस्तु। तो सही जवाब इसका हम लोग ऑप्शन सी को करेंगे, बोधगया में से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? बौद्ध लोग जो अपने उपदेशों को या फिर साहित्य को जो लिखते थे उसमें कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, पाली भाषा में। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? वज्जी, मगध, चेदी और सूरसेन। आपको तो ये पता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मतलब किस महाजनपद में हुआ था, 16 महाजनपदों में से कौन से महाजनपद में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका हम लोग सही करेंगे, वज्जी। राहुल, संकृत्यायन को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि किसने दी थी? त्रिपिटकाचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद विद्यालंका बिहार, महात्मा गांधी ने और रामकृष्ण परमहंस ने। तो जो त्रिपिटक का ज्ञाता होता है उसे त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। तो ये राहुल संकृत्यायन को त्रिपिटकाचार्य कहा गया था, ये उपाधि किसने दिया था? हम लोग इसका सही जवाब टिक करेंगे, ऑप्शन बी, विद्यालंकार बिहार। वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पर है, इसमें से एक कोई ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000, 1500 से 500 और 1200 से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा पूरा का पूरा वैदिक काल, इस टाइम पर चारों वेद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल कब से कब तक मानी जाती है? ऋग वैदिक काल कब से कब तक मानी जाती है? देखिए याद रखिएगा वैदिक काल संपूर्ण वैदिक काल था, यहाँ पे सिर्फ ऋग वैदिक काल पूछ रहा है। तो ऋग वैदिक काल यानी वैदिक काल को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग वेद की रचना हुई है और उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना की गई है। तो ऋग वैदिक काल जब आपसे पूछे तो इसका सही जवाब होगा 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ये ऋग वैदिक काल है। और उसके बाद 1000 से लेकर के ये जो दूसरा नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं तीसरा में, ये आपका उत्तर वैदिक काल कहलाता है जिसमें बाकी तीनों वेदों की रचना हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऋग वैदिक काल कौन सा है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी को पता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 4। फिर आपने अगला क्वेश्चन पे, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो जैसे कि हम लोग को पता है सबसे पहले ऋग वेद की रचना हुई है, उसके बाद तीनों वेदों की रचना हुई है। तो प्राचीनतम में ऑप्शन डी सही होगा, ऋग वेद। ऋग वेद काल का प्रमुख देवता कौन सा था? किसे प्रमुख देवता माना गया है ऋग वैदिक काल में? याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में ऑप्शन ए यानी इंद्र भगवान को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। एक बात यहाँ पे आप और याद रखिएगा कि इंद्र को यहाँ पर पुरंदर भी कहा गया है। ऋग वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? यहाँ पे मंडल पूछा जा रहा है कि ऋग वेद को कितने मंडल में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 10 मंडल में। फिर ऋग वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1750, 2200, 925 और 1028। तो याद रखिएगा सूक्तों की संख्या, मंडल 10 हो गया यहाँ पे और सूक्तों की संख्या हो जाएगी 10, 28 यानी 1028। फिर प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो चारों वेद में से आपको चुनना है यहाँ पे, और इसका जो सही जवाब होगा, कुछ वेदों का नाम गलत है यहाँ पर,
तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सही आंसर यहाँ पे चुनना है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से ली गई है? तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप पहले अपना ऑप्शन को चुन ले, उसके बाद में आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से ली गई है। पुराणों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो इसमें हम लोग टिक करेंगे मत्स्य पुराण, यानी ऑप्शन बी को। फिर अगला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक, आप पहले अपना आंसर कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ये है आपका ऑप्शन ए, महावीर स्वामी को। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ देव। होप कि आप भी जो आंसर कर रहे हैं वो आपका सही हो रहा होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, वीडियो का अगर आप एक बार और देख लेंगे तो और भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ। तो हम लोग यहाँ पर सही जवाब टिक करेंगे पार्श्वनाथ। ऋषभ देव प्रथम है, पार्श्वनाथ 23वें है और गौतम बुद्ध जो है वो 24वें है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 532, 540, 563 ईसा पूर्व या 512 ईसा पूर्व में? तो हम लोग इसका सही जवाब यहाँ पर करेंगे ऑप्शन बी, 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, जीवक या अशोक को? तो इसका सही जवाब हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, असागी, वर्धमान या सिद्धार्थ? तो हम लोग यहाँ पे सही टिक करेंगे ऑप्शन बी को, यानी सिद्धार्थ। तो आज का जो 40 क्वेश्चन वो हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना करना आप लोगों के हाथों में है। फिर से मिलेंगे हम लोग इस तरह के और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।